फ्रेंड्स वेलकम यू टू माय चैनल लता ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बेस है ये मैं दुकान से ख़रीद के लाई हूँ, सिर्फ 20 रुपीज़ का, और 20 रुपीज़ का एक है, तो आए हैं दोनों के 40 मतलब 40 रुपीज़ का। ठीक है, तो अभी मैं इसको खोल देती हूँ और सिर्फ एक ही बेस बनाती हूँ मैं। अभी मैं सिर्फ जिया के लिए तैयारी कर रही हूँ। जिया स्कूल से आएगी तो उसे कुछ चटपट चाहिए, नहीं तो मेरी जान ले लेती है कि मम्मी कुछ नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, तो इसीलिए तो मैं एक ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी, उसके लिए रेडी करूँगी। ये कभी फिर बना दूँगी, कल परसों कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया है तो जी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये मैंने क्या क्या लिया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, ये हमारी चटनी हो गई, ये मोमोज चटनी है, और ये आपको पता ही है पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए, और ये सॉस है, और ये भी पिज़्ज़ा भी डाल देंगे, और ये मिर्ची है, और ये सहजन चटनी है, थोड़ा सा डाल देंगे, मेयोनीज है, थोड़ा थोड़ा ही बाकी रह रहा है इसमें, और ये थोड़ा सा ये भी डाल देंगे सैंडविच, और ये चटनी भी डाल देंगे हल्की सी, क्योंकि चटनी बहुत होगी, हल्की सी मेयोनीज और भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये सब तैयार कर लेंगे। प्याज हम डालेंगे नहीं, सिर्फ ओनली शिमला मिर्च रख डालेंगे। शिमला मिर्च भी इसीलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा अच्छा चटपटा बन जाए, क्योंकि इसमें ज़रूरी भी है कि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है सॉरी। तो प्याज नहीं डलेगा क्योंकि श्राद्ध चले हुए हैं, प्याज नहीं खाते। और अभी मैंने कढ़ाई कर दी है गरम, स्टैंड बनाएंगे ना, तो इस पर मैंने रख दिया स्टैंड। स्टैंड लगा के अब मैं तैयारी पकड़ लेती हूँ बेस के लिए। सबसे पहले हम सॉस लगा देते हैं, तो सबसे पहले हम चटनी लगा रहे हैं। बेटू पकड़ो यहाँ से, मेरा मोबाइल भी मेरी बेटी पकड़ रही है, क्या करें। सबसे पहले ये वाली चटनी लगा देते हैं, मोमोज चटनी है ये मैं कल बाज़ार से लेके आई थी मोमोज चटनी। ज़्यादा नहीं डलेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, नहीं तो डोरी से खाया नहीं जाएगा, ऐसे करेगी शी मम्मी मिर्च से नहीं खाया जाता। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पिज़्ज़ा सॉस, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। तो जी मैंने ये वाली चटनी डाल दी, अब मैं डाल देती हूँ मेयोनीज। मेयोनीज भी हिसाब से डालना है, ना ज़्यादा क्या हो गया डोरिश, मिर्ची लग गई बिट्टू को है, मिर्ची लग रही है, हैं मिर्ची लग रही है, बहुत ज़्यादा सॉस डल गई है। अब ज़्यादा नहीं डाल दे, इस वाली को भी छोड़ देते हैं। सहजन चिली चटनी पहले भी चिली चटनी डल चुकी है, तो थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही डाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो चटनी चटनी का टेस्ट आएगा। और ये चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, हल्का सा ही डाल दूँगी, नाम मारती हूँ। हमारी मोमोज चटनी में ही बहुत तीखापन है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है शिमला मिर्च डाल दिया और पनीर डाल दिया है, और मैं लास्ट में ये डाल देती हूँ पास्ता मसाला। पता नहीं ये समझोगे कि पता नहीं ये क्या बना रही है, तो थोड़ा सा हम पास्ता मसाला भी डाल देते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा और बेहतरीन हो जाएगा, टेस्टी टेस्टी हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ इसमें डालने के लिए एक तो वो नहीं है,
कॉर्नफ्लोर लिए हैं और वो भी मैं डाल देती हूँ। और क्या है, प्याज नहीं है, प्याज अभी डालना नहीं है, श्राद्ध चले हुए हैं तो ऐसे ही हम बना देते हैं। तो हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम, और गरम कढ़ाई में हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। धीमी आंच बेटू पकड़ना, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। दोनों हाथों की सहायता से, बापरे बापरे मुझे, हाँ तो अभी ये हो जाएगा, थोड़ी देर में पक जाएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। ये वाली प्लेट में लगेगी, इसी की प्लेट में डाल देती हूँ। 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे पका देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिएगा ये वाला, और अभी 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे और हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। अब मैं निकाल देती हूँ और जियर और इसके लिए लगा देती हूँ प्लेट में। ओके फ्रेंड, इस तरीके से भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। और बस इसमें हमने चीज़ नहीं डाला, प्याज नहीं डाला, और बाकी हर एक तरह की सॉस मैंने डाली है और मसाले डाले हैं।